ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग से लेकर एम्प्लॉज के परस्पेक्टिव तक द थिंकिंग प्रोसेस द इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न आर टेकिंग अ चेंज एंड हम इस पैराडिम शिफ्ट के बैकेंड के ऊपर जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे अपने इस चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट इट सेड कि हमें ऐसे रिवॉर्ड प्लान बनाने चाहिए कि जिन रिवॉर्ड प्लान की वजह से लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए स्लाइड डिजाइनिंग प्लान टू कीप पीपल फ्रॉम लिविंग हम लोगों को मजबूर कर दें कि उनको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस फील हो अगर वह हमारी कंपनी को छोड़कर जाते हैं तो अपने प्लान्स को इस तरीके से बनाओ कि पीपल आर फोर्स टू स्टे इन माजी की दास्तान थी लेकिन इस माजी की डिस्कशन से जो फ्यूचर अब हमें नजर आ रहा है जिस तरफ ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को तेजी से डेवलप कर रही हैं, वो कंसर्न ये है कि रादर देन के हम उन्हें फोर्स करें कि वो हमारी कंपनी को छोड़कर ना जाएं, डिजाइनिंग प्लान्स दैट मेक पीपल वांट टू स्टे अ कॉन्टेक्स्ट वो होना चाहिए अब इसमें बहुत माइन्यूट्स और डेल्यूट्स का फर्क है कि हम उनको जाने से रोकें या वो अपनी चाहत से ना जाएं वो खुद वहीं पे ठहरना चाहे अब इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर आने के लिए हमें चीजों को बहुत टेक्निकली और सोफिस्टिकेटेडली वो डेवलप करना पड़ेगा कि लोग अपनी मर्जी से अपनी चाहत से वहां पर ठहरना चाहे उनके ऊपर कोई बंदिश उनके ऊपर कोई रुकावट उनके ऊपर कोई कोई ऑब्लिगेशन, उनके ऊपर लिमिटेशन वो ना हो सो दे शुड बी वॉन्टिंग टू स्टे रादर देन दे आर मेड टू स्टे हमारा मेन डिफरेंस आ रहा है ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दे शुड बी वॉन्टिंग टू स्टे इन द कंपनी रादर देन दे आर मेड टू स्टे इन द कंपनी क्योंकि वन थिंग इज फॉर श्योर हम इसको पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन एसेट को आप रिटेन तो कर सकते हो आप ओन नहीं कर सकते लेकिन आपने जो उनके लिए रिटेंशन स्ट्रेटजी डेवलप करनी है जो रिटेंशन कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना है क्या उस रिटेंशन स्ट्रेटजी में वी आर मेकिंग अप अ सिनेरियो जिसमें वो हमें छोड़कर ना जा सके कि हम एक ऐसा सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि वो खुद से चाहें कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म अपना स्टे रखें बिकॉज उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो होती नजर आ रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता नजर आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट ये सब कुछ मौजूद हो और दे शुड बी मोटिवेटेड

टू स्टार्ट माई टॉक रिलेटेड टू पे फॉर परफॉर्मेंस एंड वेन वी टॉक अबाउट पे फॉर परफॉर्मेंस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए देट इज एन एग्रीड प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल और फाइनेंशियली मईरेबल रिवॉर्ड टू एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टीम और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अब इसके अंदर जो की पॉइंट है वो आपसे मैं डिस्कस करता हूं

कि वो जो एग्रीड अपॉन हम उसे कंपनसेशन बेनिफिट इंसेंटिव देना चाहते हैं चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो या नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में हो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है जिसके अगेंस्ट हमने उसको वो रिवॉर्ड और कंपनसेशन देनी है वो परफॉर्मेंस इंडिविजुअली इंडिविजुअल होगी कि वो टीम बेस्ड परफॉर्मेंस होगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर डिसाइड किया जाएगा ओके okay? तो ये हमारे पास तीन लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस अवेलेबल होते हैं द फर्स्ट लेवल इज इंडिविजुअल सेकेंड लेवल इज टीम और ग्रुप एंड थर्ड लेवल इज ऑर्गेनाइजेशनल और इन तीन लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि हमने उस शख्स को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या रिवॉर्ड्स वो देने हैं और उन रिवॉर्ड्स को देने की हमें कॉस्ट क्या आ रही है और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो परफॉर्मेंस लेवल अचीव करने के लिए हमने उनको टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या एलोकेट किए उस शख्स के की रिजल्ट एरियाज एरियाज की और की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस और इंडिकेटर्स वो क्या क्या हैं और क्या हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को के को सिस्टमेटिकली स्मार्ट फैशन में डेवलप किया है कि नहीं किया एज यू ऑल मे नो कि स्मार्ट वुड मीन स्पेसिफिक मयरेबल अटेनेबल रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम इन तमाम चीजों को विजुअलाइज किया जाएगा और शेयर किया जाएगा और फॉर्मली स्टैब्लिश किया जाएगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स कॉन्टेक्ट है परफॉर्मेंस से आफ्टर शेयरिंग द सक्सेस ऑफ द कंपनी विद एम्प्लॉइज जब एनुअल रिपोर्ट में इयरली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो डिपार्टमेंटल भी जनरेट होती है उनके अंदर अब ये बात पता चल रही है कि ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग द सक्सेस ऑफ इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट तो अब हमें उनके साथ एक विन विन कोलैबोरेशन एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा जिसमें कि यह क्रिएट हो रहा हो कि यह रिकॉग्निशन ने अचीव की है नो no डाउट उसके बैकएंड के ऊपर एम्प्लॉइज की ही मेहनत उनकी ही डेडिकेशन उनकी इन्वॉल्वमेंट उनकी एंगेजमेंट उनकी मोटिवेशन ये सब कुछ शामिल था और अगर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एम्प्लॉइज की मेहनत से ही अचीव हो रही है तो फिर एम्प्लॉइज को उसमें से क्या कंट्रीब्यूट करने पर क्या कंट्रीब्यूशन वो दिया जाएगा और उनको हम किस तरीके से कंपनसेट और रिवॉर्ड करेंगे कि वो हमारे पास मजबूरन काम करने की बजाय शौक से काम करें अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक कंसर्न आ रहा है कि व्हाट बिहेवियर्स डू एम्प्लॉयर्स केयर अबाउट और मीन अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्लीज जूम ग्रुप चैट में पूछ लीजिएगा व्हाट बिहेवियर्स डू एम्प्लॉयर्स केयर अबाउट उसके ऊपर अब हम बात शुरू करते हैं िकॉज उन बिहेवियर्स के मुताबिक जब तक एम्प्लॉय अपना वर्क शो नहीं करेगा तब तक परफॉर्मेंस का अचीव करना हमारे लिए नामुमकिन में से काउंट होगा सो फर्स्ट बिहेवियर विच इज़ लुकिंग फॉर इज दैट हाउ डू वी गेट गुड इंप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट टू ज्वाइन अवर कंपनी सबसे पहला कंसर्न यह है कि उन लोगों को हम कैसे अट्रैक्ट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हु आर टैलेंटेड हु आर क्वालिफाइड और जैसा आपको मैंने बताया था क्वालिफिकेशन का एक्सप्रेशन कि क्वालिफिकेशन मींस व्हेन योर आर आर इक्वल टू के तो जब आपकी टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके नॉलेज के एबिलिटी के बराबर हो तो दैट इज द कॉन्टेक्स इसको हम क्वालिफाइड कहते हैं तो अब पहला कंसर्न एम्प्लॉयर का यह है कि हाउ डू वी गेट गुड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स

लोग ग्रेजुएट करके मार्केट में आ रहे हैं या जो ऑलरेडी वर्किंग क्लास के लोग भी हैं उन लोगों के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक आइडियल की सिचुएशन रखती हो तो ये हम कैसे कर पाएंगे अब इस मकसद के लिए जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को पोर्ट्रे करना पड़ेगा अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के, के जहां पर लोगों की मोटिवेशन लोगों की इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट कमिटमेंट इन सब चीजों की वर्थ है इन सब चीजों को एप्रीशिएट किया जाता है जहां पर लोगों को शेयर्ड में लेकर चला जाता है जिससे उनके टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऊपर इंपोज किए किए वो उनसे शेयर जाते हैं इसके अलावा हमें जाहिर है कि जॉब की एड जब हमें डिजाइन करनी है तो उसमें आइडा का कॉन्सेप्ट भी हमें रखना होगा जैसे मार्केटिंग में आप एक एक्सप्रेशन पढ़ते हो आइडा ए आई डी ए स्टैंड फॉर अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एंड एक्शन तो आपको अपनी जॉब एड की डिजाइनिंग के अंदर भी अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एंड एक्शन के कॉन्टेक्स्ट को वो मद्देनजर रखना है तो हर एक परस्पेक्टिव में यू हैव टू डेमोस्ट्रेट एन एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट इंप्लॉइज शुड बी ज्वाइनिंग एंड शुड बी कमिंग फॉर द कंपनी ओके अब जब इंप्लॉइज हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे कि ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों की केयर करती है ये ऐसी कंपनी है जो लोगों को मोटिवेट uh, करती है तो जाहिर है कि फिर उनसे हमारी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा होंगी द कंसर्न जो कि बिहेवियर डू इंप्लॉयर्स केयर अबाउट है और वो होगा हाउ डू वी रिटेन दिस गुड वंस दे इंप्लॉयिज्वाइन अब एक और बात याद रखिएगा कि ये कंसर्न्स सिर्फ एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये कंसर्न्स एम्प्लॉयर के इंप्लॉय के साथ भी है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट कर पाए जिस माहौल से नए लोग हमें ज्वाइन करना पसंद करें फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग रेस्टलेस हो अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हर वक्त बाइकआउट करते हो अगर वहां पर लेबर यूनियन अनरेस्ट के शिकार हो तो जाहिर है कि नए लोग वहां पर ज्वाइन करने से इज्तनाब करेंगे सो so, अब जो बिहेवियर रिक्वायर्ड है एम्प्लॉयर को वो बिहेवियर एच आर डिपार्टमेंट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट्स तक वो ऐसा बिहेवियर होगा कि जिस बिहेवियर को देखकर दूसरे लोग भी आपकी कंपनी फैक्ट्री कारखाने के अंदर काम करना फखर का सबब समझें और ज्वाइन करना पसंद करें दूसरी चीज जो इच्छा डिपार्टमेंट से पूछी जा रही है और वो ये है कि हाउ डू वी रिटेन दीज गुड एम्प्लॉज वंस द ज्वाइन तो अब हम उनको रिटेन करने के लिए क्या मजबूर कर रहे हैं क्या हम उनकी विलिंगनेस को कॉल कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो अभी पूछा जा रहा रहा है है कि बाज़ुकात इंडिविजुअल अपनी टारगेट को अचीव कर रहा है, लेकिन टीम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं की बेस्ड थी, थी, थी अगर तो रिवॉर्ड अचीवमेंट पॉलिसी टीम बेस्ड थी तो बाजुकात इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपरली कंपनसेट नहीं हो पाती

एलोकेट करने से पहले हमारा एक पूरा मैकेनिज्म चलता है जिस mechanism को हम कहते हैं तो during the work progress, जब कोई शख्स काम एक ग्रुप में नहीं कर रहा था तो कंट्रोलिंग के अंदर हम उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेज लगा लेते हैं और उस मकसद के लिए हमारे पास डिफरेंट अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे री के कॉन्टेक्ट भी है कि आपने जो लोग काम नहीं कर रहे हैं हो सकता है यू हैव टू गो फॉर नेगेटिव री जो लोग काम कर रहे हैं मेबी यू हैव टू गो फॉर पॉजिटिव तो एट द प्रोजेक्ट एंड एंडल्यूएशन करके कंपनसेट करना वो तो है लेकिन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट लोगों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना यह चीज भी हमारे लिए बहुत अहम है और दैट इज द कॉन्टेक्स जहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस वो इंक्लूड हो जाते हैं सो so, अभी जैसे हमने यहां पर सेकंड पॉइंट देखा हाउ डू वी रिटेन दीज join? तो अब उसमें हम इस बात को विजुअलाइज कर रहे हैं कि जब कोई शख्स हमें ज्वाइन कर लेता है हमारी अच्छी प्रैक्टिस की वजह से लोगों के गुड बिहेवियर्स की वजह से तो क्या वो हमारे पास रहना भी पसंद कर रहा है कि नहीं तो उसमें अब हमें ऐसे बिहेवियर्स की डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए जिन बिहेवियर्स की वजह से कोई शख्स हमें छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे मे भी वहां पर कंपनसेशन पैकेज प्लान तो बहुत अच्छे हों लेकिन वहां पर कोई हरासमेंट के इशू हो वहां पर डायवर्सिटी मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो वहां पर के साथ अच्छा डील ना किया जाता हो तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं तो नहीं आ रहे लेकिन एक ऐसा माहौल है जिस माहौल की वजह से लोग वहां पर ठहरते नहीं है रीजन कि ये सेकेंड हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि वट बिहेवियर्स डू इंप्लॉयर्स केयर अबाउट सो इंप्लॉयर्स केयर अबाउटियर्स जिसमें के लोगों को वहां पर रहने की एक आरजू वो मिल रही हो और वो बिहेवियर हमारा किससे एक्सपेक्टेड है वो बिहेवियर हमारा एक्सपेक्टेड है हमारे ऑलरेडी वर्किंग के साथ द थर्ड थिंग फॉर विच द एम्प्लॉयर इज केयरिंग अबाउट एंड दैट इज हाउ डू वी गेट इंप्लॉयज टू डिवेलप स्किल्स फॉर करंट एंड फ्यूचर जॉब्स ठीक है सो so, अब एक शख्स जो अपनी जॉब में बहुत अच्छा काम कर रहा है हम कहते हैं कि उसके पास employability is at high level. So अगर उसकी employability is good, तो देखा यह जाएगा कि क्या उसके पास promotability का चांस भी है कि नहीं क्या वो अपने आप को और upgrade और modernize कर रहा है कि नहीं, क्या वो अपनी प्रमोटेबिलिटी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा कर रहा है कि नहीं क्या वो रिक्वायर्ड स्किल्स अचीव कर रहा है कि नहीं सो हाउ डू वी गेट इम्प्लॉयज टू डेवलप स्किल्स ताकि लोग सिर्फ लकीर के फकीर ना बन जाएं लोग सिर्फ एक में काम ना करना शुरू कर दें उनकी मल्टीपल वो होने चाहिए उनकी मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए उनके पास डेवलपमेंटल कॉन्टेक्ट होना चाहिए उनके पास बढ़ने की आगे से ज्यादा से ज्यादा अपने आपको डेवलप करने की जस्तजू होनी चाहिए तो अब ऐसे बिहेवियर्स एम्प्लॉयर डिमांड करता है जिन बिहेवियर्स में करंट इंप्लॉयिज के साथ साथ प्रोमोटेबिलिटी के जो कॉन्टेक्स्ट है उनको भी मद्देनजर रखा जाए नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोमोटेबिलिटी तो ऑब्वियसली जिस जॉब के लिए हम अपनी सक्सेशन प्लानिंग बना रहे हैं या जिस जॉब के लिए हम प्रोमोटेबिलिटी कॉन्टेक्ट को देख रहे हैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स को वो कैलकुलेट किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर जो है वो अब प्रोमोट होकर वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट पर वो जा रहा है या वाइस डायरेक्टर की पोस्ट पर जा रहा है डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर डेवलप कर रहा है सो so, अब अगर एक मैनेजर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट में प्रमोट कर रहा है और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट में डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ओके फॉर एग्जांपल जब हम कंपिटेंसी फ्रेमवर्क बनाते हैं तो हमने कहा कि कंपिटेंसी फ्रेमवर्क हमें थ्री रिक्वायर्ड होगा जब हम डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट की बात करेंगे जबकि मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर उसकी डिसीजन मेकिंग वॉज लिंक विद कंपिटेंसी लेवल वन ओके okay? अब ये कंपिटेंसी लेवल वन से कंपिटेंसी लेवल थ्री के ऊपर जो लेकर जाना होगा ये बेसिकली उसकी इंप्लॉयबिलिटी को प्रमोटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो हम स्टडी कर रहे होंगे राइट right? तो प्रमोटेबिलिटी इज नो डाउट बेस्ड अपॉन द जॉब विच फॉर विच वी आर प्लानिंग टू लॉन्च द सक्सेशन प्लानिंग और द कैरियर प्रस्पेक्टिव या कैरियर प्रोग्रेशन के बाद हम जिस जॉब के हवाले से कर रहे हैं प्रमोटेबिलिटी उसी पर डिपेंड करती है और वो है कि हाउ गेट इम्प्लॉय टू परफॉर्म वेल ऑन नहीं करवाना हमने इस बात को भी जेहन में रखना है कि उसकी जो इंप्लायिलिटी है वो भी बेहतर से बेहतर हो अब इन दो फैक्टर्स को जहन में रखते हुए एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रमोटेबिलिटी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं पीटर प्रिंसिपल और पीचर प्रिंसिपल का ये है कि जब एक शख्स कैरियर प्रोग्रेशन के तहत अपने में डेवलपमेंट इख्तियार करता है डेवलपमेंट उसको अचीव होती है तो जो जू जूं वो अपनी हायर लेवल ऑफ जॉब पोस्ट पर जाता जाएगा वो इनकम्पिटेंट होता जाएगा अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है कि वो हायर जॉब पोस्ट के ऊपर इनकम्पिटेंट क्यों होता जा रहा है बिकॉज उसकी इंप्लायिलिटी को देखकर उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर हमने उसको प्रमोट किया तो जब प्रमोट किया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब उसके अंदर नेक्स्ट लेवल की जो स्किल्स हैं, वो होनी चाहिए लेकिन अक्सर औकात हमें यह देखने को मिला कि द पीपल हु वुड स्टे विद दे हैव गॉट ऑलरेडी रादर देन वो अपने आप को प्रमोट करते तो जब वो अपने आप को हर एक नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रमोटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लेकर नहीं चलते तो वक्त के साथ साथ जो जो वो कैरियर लेडर में डेवलप करते जाते हैं दे आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स ऑफ इनकम्पिटेंसी एंड देवर वेरी कंपिटेंट अशन बिलो राट अशन अब ओके इस कॉन्टेक्स को आप जरूर सर्च कीजिएगा एंड देट कॉन्टेक्स इज नोन एज पीटर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर so, जो है वो इन मल्टीपल में इंप्लॉय को विजुअलाइज कर रहा होगा कि उसको ऐसे बिहेवियर्स चाहिए जिनकी वजह से लोग उस कंपनी को ज्वाइन करना पसंद करें उसको ऐसे बिहेवियर्स चाहिए जिसकी वजह से लोग वहां पर स्टे करना पसंद करें उसको ऐसे बिहेवियर्स चाहिए जिन बिहेवियर्स में प्रोमोटेबिलिटी को भी मद्देनजर रखा जाता हो लोग अपने आप को अपडेट अपग्रेड मॉडर्नाइज डेवलप करने के बारे में सोचें और उसको ऐसे बिहेवियर्स चाहिए जिसमें करंट जॉब के हवाले से उसकी इंप्लॉयबिलिटी के हवाले से भी बेटरमेंट वो आ रही हो सो दीज आर ऑल द कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉयर्स जिससे कि वो अपने एम्प्लॉय को डेवलप करता देखता है लेकिन ये सब कुछ मुमकिन कब कर पाएगा ये सब कुछ मुमकिन तब कर पाएगा वेन द पीपल आर मोटिवेटेड बिकॉज इन तमाम बिहेवियर में से अगर आप सिर्फ एक फैक्टर निकाल दो तो शायद बाकी कुछ भी नहीं बचेगा इफ द पीपल आर नॉट मोटिवेटेड वाई दे वु डेमोन्स्ट्रेट बिहेवियर जिसको देखकर दूसरे हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहे? Why they should demonstrate a behavior जिसकी वजह से लोग हमारे पास खुद से रहना चाहे rather than के वो मजबूरन वहां पर ठहरे अगर लोग मोटिवेटेड ना हो तो वो डेवलपमेंट के बारे में क्यों कर अपनी प्लानिंग करेंगे क्यों कर सोचेंगे और अगर लोग मोटिवेटेड ना हो तो वो अपनी करंट जॉब के अंदर भी परफॉर्म क्यों करेंगे सो देर इज वन की एलिमेंट विच इज मोटिवेशन एंड विच प्रोवाइड द बेसिस द ग्राउंड फॉर विच द पीपल वुड बी विलिंग टू डेमोन्स्ट्रेट दोज रिक्वायर्ड बिहेवियर बाई द एंप्लॉयर

लेकिन अब हमें यह देखना होगा कि इन तमाम कॉन्सेप्ट को ऑफ नीड को टू फैक्टर को को थ्री नीड थेरी को, अब हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है और इन थे कैसे डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं चाहे वो इंटेंसिक हो या एक्सटेंसिक हो वो फुलफिल हो रही हो और उन नीड्स की कम्प्लिशमेंट के साथ वो नीड से निकलकर वांट के अंदर दाखिल हो जाएं। कि वो उनकी जरूरत सिर्फ ना हो जॉब करना उनकी ख्वाहिश हो कि वो उस जॉब को वहां पर परफॉर्म करें सो दैट इज द रीजन कि अब हम अपना एक मेजर जो डिस्कशन कॉन्टेंट है वो शुरू कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द मोटिवेशन अब मोटिवेशन के मल्टीपल प्रस्पेक्टिव हैं मोटिवेशन हम इस बात को भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी काम को उस काम को करने के लिए करो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक और तरीके से लेबोरेट करूं कि यू आर डूइंग डूइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस काम के साथ आपकी एक वास्तगी उस काम के साथ आपके एक इन्वॉल्वमेंट उस काम के साथ आपका एक लगाव वो शामिल है और आप उस काम को करने के लिए अपनी तमाम जद्दोजहद अपना तमाम एनर्जीज वो फोकस किए हुए हो सो वेन यू डू सम फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट थिंग सो दैट मीन यू आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म इट अदरवाइज पीपल वुड बी फोर्स टू डू इट ओके सो उस हवाले से हम यहां पर अब मोटिवेशन की कंप्लीट डिस्कशन वो करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन तमाम थेरीज को मद्देनजर रखकर आपने कंपनसेशन पैकेज प्लान्स जो हैं, वो डेवलप कैसे करने हैं प्लस हम उसमें ये भी देखेंगे कि हर की हो सकती है। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स को आप कैसे एंटरटेन कर सकते हो इन टू पैकेज प्लान उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आएंगे जैसे कि मॉड्यूलर पैकेज प्लान हैं, फ्लेक्सिबल पैकेज प्लान हैं, जिसमें हम एक मेन्यू लाइक ऑप्शन वो अपने एम्प्लॉज को ऑफर करते हैं उस मेन्यू लाइक ऑप्शंस में हमारे पास कुछ जो पैकेज कंटेंट होते हैं वो हर एम्प्लॉय के लिए फिक्स्ड होते हैं और कुछ कंटेंट्स को हम फ्लेक्सिबल भी डेवलप करते हैं कि अगर हर अपनी जरूरत के मुताबिक उनमें से कुछ पिक करना चाहे तो वो भी पिक कर सकता है एंड बाय द वे ऑल ऑफ दीज फ्लेक्सिबल पैकेज प्लान मॉड्यूलर पैकेज प्लान आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इवन इन गुजरन ओके इसकी डिटेल क्या है ऑफ टाइम अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस वो करेंगे

Process would mean के उस चीज में एक विदेज ऑफ टाइम एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है सो मोटिवेशन इज द प्रोसेस मीन कंटिन्यूड चीज होगी दैट इनिशिएट्स गाइड एंड मेंटेन्स गोल ओर बिहेवियर ठीक है आपके पास टारगेट्स हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास गोल्स हैं और आप टारगेट्स को मद्देनजर रखकर आप मोटिवेटेड हो कि आप एक काम का आगाज करते हो और उस काम को फिर आप आए तकमील तक अच्छे सेंस में वो पहुंचाते हो सो इट इज वट कॉज यू टू एक्ट ठीक है मोटिवेशन क्या है मोटिवेशन वो कॉज है जिसके लिए आप वहां पर हो वेदर इट इज गेटिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर चाहे क्या किसी को एक गिलास पानी पिला दो ओके इस पे क्या मोटिवेशन हो गई ऑब्वियसली आपके पास इंट्रेंसिकली उसके अंदर एक एलिमेंट शामिल है कि आपको स्वाब मिलेगा आपने खुशी की लहर आएगी कि आपने किसी की खिदमत की चाहे के उस एक गिलास पानी पिलाने में भी आपको फिजिकल एफर्ट में से वो गुजरना पड़ रहा है ठीक है So, अब इसी कॉन्टेक्स्ट को एवरी एवरीडे लाइफ का हमारा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि सपोज अगर हमारे वाले हमारी वालदा हमें एक गिलास पानी पिलाने को कहते हैं और हम उठकर उनको पानी पिलाते हैं तो क्या वो पानी आप मजबूरन पिला रहे हो कि क्या, क्या वो पानी आप हम खुशी से पिला रहे हो ओके okay? तो अब मोटिवेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो नो no डाउट खुशी के साथ है ठीक है लेकिन अगर हम इसको मजबूरी के कॉन्टेक्स में ले जाएं तो ऑब्वियसली वो काम तो शायद परफॉर्म हो रहा हो लेकिन उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट आपकी हैप्पीनेस आपकी इंटरनल इंट्रेंजिक मोटिवेशन वो चीजें लैक करेंगी ठीक है तो फिर शायद आप किसी दुनियावी और मादी गर्ज के लिए वो काम कर रहे हो अदरवाइज आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट उस काम में वो नहीं है सो दैट इज द कॉन्टेक्स जिसमें के हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं कि इट इज गेटिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर टू रिड्यूस थर्स और रीडिंग बुक टू गेन नॉलेज सी एग्जाम्पल लाइफ से पिकवेशन का बायोलॉजिकल इमोशनल सोशल एंड कॉग्नेटिव फोर्सेज एक्टिवेट द बिहेवियर ओके सो अब उसमें जाहिर है कि आपको जैसे हमने पानी के ग्लास्ट की एग्जाम्पल कोट की आपको फिजिकली मूव भी करना है आपको इमोशनली एक, एक खुशी एक की तामील भी नजर आ रही है इसमें एक सोशल आपके ऊपर प्रेशर भी हो सकता। इसमें एक आप से एक अपने जो ख्याल हैं उनकी पूरी दुनिया भी हो सकती है जो आपको उस बिहेवियर को इनिशिएट करने में मदद दे रही है सो दैट इज ऑल वट वी कॉल मोटिवेशन

मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव क्या उसमें मेन इरादा मेन मोटिव मेन इंटरेस्ट मेन नियत थी क्या और अ नीड दैट रिक्वायर सेटिस्फेक्शन अपनी तस्कीन के लिए आप इस काम को परफॉर्म कर रहे हो दीज नीड्स वॉन्ट्स और डिजायर मे बी एक्वायर्ड थ्रू इंफ्लुएंस ऑफ कल्चर सोसाइटी लाइफ स्टाइल और मे बी जनरली इनेट ठीक है जनरली इनेट का मतलब यह होगा कि हो सकता है कि यह आपका सिर्फ इनर सिग्नल हो इनर स्टेमुलस हो जो आपको उस काम को करने में मोटिवेट कर रहा है आपको उस काम के करने में इनकरेज कर रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन ऑफ एच को ज्वाइन किया तो आपको मैंने वेरी फर्स्ट सेशन में पूछा कि वाई डू यू प्लान और वाई डू यू डिसाइडेड टू ज्वाइन एच ठीक है तो आप सबके बैकेंड के ऊपर कोई ना कोई रीजन और लॉजिक होगी हो सकता है कि आप में से कोई वाकई अपने आप को सुटेबल समझ रहे हैं दे आर मोटिवेटेड टू ज्वाइन एंड डू द एच थिंग्स

जिसके बाद अब हम इसकी थियरी को डिस्कस करते हैं कि अब हम इस इन्वॉल्वमेंट को किस तरीके से कॉल करेंगे एम्प्लॉय की जॉब में ताकि जो बिहेवियर्स अभी हमने पिछली साइड पर पड़े थे इंप्लॉयर के वो तमाम बिहेवियर्स जनरेट वो हो सके सो कटिंग इट शॉर्ट मोटिवेशन फिर है क्या मोटिवेशन प्रोवाइड यू थ्री थिंग्स इट प्रोवाइड इट यू यू इंटेंसिटी एंड इट परसिस्टेंस। और आप इन तीनों में से कोई एक चीज भी अगर निकाल दें तो यू आर गोइंग टू लूज द मोटिवेशन आपके पास डायरेक्शन हो परसिस्टेंस हो लेकिन इंटेंसिटी ऑफ वर्क ना हो मोटिवेशन नहीं होगी आपके पास डायरेक्शन हो इंटेंसिटी ऑफ लेकिन परसिस्टेंस ना हो मोटिवेशन नहीं होगी आपके पास परसिस्टेंस हो इंटेंसिटी हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि करना क्या है आपकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है तो उस सूरत में भी मोटिवेशन मुमकिन नहीं हो पाएगी तो मोटिवेशन इन तीन चीजों का एक मरकब है अब ये तीन चीजें कंसर्न हमारे हैं क्या इसको हम डिस्कस करते हैं अब मोटिवेशन इज द प्रोसेस और प्रोसेसेस उंट्स फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी डायरेक्शन एंडिस्टेंस एफर्ट टूवर्डेवियर होती है वहां से मैं इस आइडिया को लेकर चल रहा हूं ताकि आपको हर एंगल से चीजों का क्लैरिटी वो क्रिएट हो सो दैट यू कैन इवेंचुअली डिवेलपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर द एम्प्लॉइज सो द मोटिवेशन इज इंक्लूडिंग द प्रोसेस That account for an individual's intensity, direction, and persistence of effort towards attaining a goal. intensity would mean that how hard a person tries. And now, modern expressions, we can add smart hard. It is not just the hard work that you need to do; it is actually the smart work which you need to do. And the smart work would, smart work would mean that you are very much specific, measurable.

कहीं आप किसी गलत डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे कि हमने मेहनत तो बहुत की लेकिन ऐसी डायरेक्शन में मेहनत की जिस डायरेक्शन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव ही नहीं हो रहे थे जो आपको टारगेट्स दिए गए थे वो टारगेट्स आपने हासिल ही नहीं किए तो फिर खाली उस मेहनत का कोई फायदा वो नहीं होगा सो डायरेक्शन इज ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिशन विजन स्टेटमेंट्स एंड ट्रिकलिंग डाउन टू द इंडिविजुअल के डायरेक्शन के अंदर हमें वो सिम्थ मिलती है हमें वो टारगेट्स गोल्स ऑब्जेक्टिव मिलते हैं ताकि हम इस बात को जान सके कि आया जो हमने एफर्ट की वो एफर्ट हमारी सही तौर पर थी कि नहीं उसमें इफेक्टिवनेस थी कि नहीं द थर्ड थिंग वुड बी दैट हाउ लॉन्ग अ पर्सन ट्राइज कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने सिर्फ एक मर्तबा एफर्ट की और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने एफर्ट नहीं की जिसका मतलब है कि मोटिवेशन नहीं थी ओके okay? तो मोटिवेशन के अंदर बेटा याद रखिएगा कि देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ परसिस्टेंट ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर टर्म्स में आप उस काम को करने की जुस्तजू ख्वाहिश शौक वो रखते हो तो जब तक आपका काम आपका शौक नहीं बनेगा तब तक मोटिवेशन वो नहीं हो पाएगी और किसी काम में आप शौक कब क्रिएट कर पाते हो जब आपकी पर्सनैलिटी आपकी स्किल्स आपका नॉलेज आपकी एबिलिटीज वो उस काम के साथ मैच करती हो। ओके इसी वजह से हम एक एक्सप्रेशन और स्टडी करते हैं ऑर्गेल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में और उससे हम कहते हैं पर्सनैलिटी जॉब फिट ठीक है अब दो एक्सप्रेशन आपके साथ कोट कर रहा हूं एक जॉब फिट है और एक ऑर्गेनाइजेशनल फिट है आप जॉब जॉब फिट में आप उस के साथ अपनी हैलिटी को मैचअप करते हो और जब हम पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन फिट की बात करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ अपनी जो पर्सनैलिटी है अपनी जो स्किल्स है अपनी जो एबिलिटीज आप उनको मैचअप करने की कोशिश वो करते हो तो जब तक एक एम्प्लॉई को पर्सनलिटी जॉब फिट और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट नहीं मिलेगा तब तक ऑब्वियसली उसकी मोटिवेशन का होना unique, rare, बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल अदा कर सकती है उसके परस्पेक्टिव में हमारे पास क्या क्या मॉडल्स और क्या क्या थ्योरीज अवेलेबल है उन सब के लिए नेक्स्ट वो मीटिंग ज्वाइन कीजिए ताकि हम अपनी को शुरू वो करें